देश में कोरोना के कारण किसी तरह देश का अर्थतंत्र पूरी तरह से रास्ते पर आ चुका है, तो वहीं दूसरी ओर अब आम आदमी के बाद किसान भी लॉकडाउन के शिकार हुए हैं। जी हां, गुजरात के सौराष्ट्र में किसानों की चिंता बढ़ने के कारण प्याज की खेती है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण देश में सभी चीजें बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर सौराष्ट्र में करोड़ों रुपए के प्याज अब सही मोल में नहीं बिक रहे, जिसके चलते किसानों में भारी चिंता फैली हुई है। और अब लॉकडाउन के बाद मार्केट होटल शुरू हो तभी इन्हें सही दाम मिलने की गुंजाइश नजर आ रही है। मैं विश्वी गंडुंगरी भावी है, एमा 2200 कट्टा जेवा भरेला है, अने एक कट्टा में 50-60 किलो नी भरती से, अने कदा जा तत्काली 10 दिन हजीरी है ने उबी तो बगड़ी जावा मावे। सरकार द्वारा एम से मारे के वेलहार निकाल करे ने तो सारू एम, अने ओछा मोछी 12-13 लाख 14 लाख नो जेवो नुकसानी थाय एम से। अत्यारे आ डूंगळी खेतर नी अंदर पड़ी छे, एनो निकाल नहीं थाय तो खेडूतोने नुकसानी तो छे ज, परंतु आनी हमें बीजे एक पण नुकसानी छे। जो आ डूंगळी खेतर नी अंदर बगड़ी जाए तो आनी शोर्टेज ऊभी थाय, अने शोर्टेज ऊभी थाय एटले सामान्य माणस ने पण नड़शे, आना भाव ऊंचा जाहे अने आपणे माल पूरो पड़शे नहीं। એટલે સરકારને નમ્ર અપીલ છે, વહેલે તકે આને કંઈક નિકાલ કર્યા।